हाय, गुड इवनिंग। आज बात करेंगे निफ्टी बैंक में कैसे ट्रेडिंग हुआ था। 31 अक्टूबर के बारे में बात करेंगे। निफ्टी में अब मैंने ओपन करके रखा है बैंक निफ्टी का ये डे चार्ट। अब मैंने कल बताया था कि देखो, पोस्ट मार्केट एनालिसिस कल जो मैंने किया था 30 अक्टूबर को, उसमें बताया था कि ये जो पॉइंट है ना, 42,800 जो है, ये बीच वाला जो है मार्केट, इसके ऊपर ना 2-3 दिन ट्रेडिंग सेशन में ऊपर क्लोज होगा तो मार्केट बुलिश बुलिश होना प्रोबेबिलिटी है। लेकिन आज मार्केट ओपन हुआ था अच्छे से। अब देखो, ये क्लोज हुआ था कितना, 43.30 में, और ओपन हुआ कितने में, 43.356 में। अच्छा हुआ था, मतलब बहुत पॉइंट, मतलब 200-250 पॉइंट ऊपर वो गैप अप में ओपन हुआ था। लेकिन क्लोज कितने में हुआ है, 42,845 में। मतलब कल की जो क्लोज है उसके पास उससे कम हुआ है। तो मार्केट अभी, अब देखो, मैंने इसीलिए बताया था कि हम इसको नहीं कह सकते कि ये बुलिश मार्केट है। इसको हम कह सकते कि वीक बियरिश, मतलब कंप्लीटली बुलिश नहीं है, वीक बियरिश, मतलब बियरिश रहेगा लेकिन कंप्लीटली बियरिश भी नहीं है। तो मार्केट यहाँ ना, मैंने इसीलिए बताया था कि जब सेकेंड वीक ऑफ नवम्बर को मार्केट का जो बुलिश मोमेंटम आ सकता है, तो ये जो मार्केट ना, यहाँ मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे ही होगा, यहाँ कंसोलिडेट करेगा 2-1 हफ्ता, मतलब 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता तो कंटिन्यूस करेगा। एटलीस्ट तो 5-6 ट्रेडिंग सेशन तो ऊपर नीचे होगा। जब 43,430 के ऊपर, 440 के ऊपर ये मार्केट रहेगा तो हम इसको कह सकते बुलिश मोमेंटम आ गया है। तो जब तक ये ऊपर नहीं हो रहा है क्लोज, तो हम कह नहीं सकते बुलिश मोमेंटम आएगा। तो ये हमारा था बैंक निफ्टी का डे चार्ट में। हम 15 मिनट चार्ट चेक कर सकते हैं। 15 मिनट चार्ट देखेंगे तो इसमें क्या है, 15 मिनट में तो चांस देता है, लेकिन आज चांस पकड़ना थोड़ा मुश्किल था। फिर भी कह नहीं सकते क्या हुआ। देखो, ये 31, यस, ये तो ओपनिंग हुआ था। देखो, ओपनिंग गैप अप में ओपन हुआ था, फिर नीचे आ गया, नीचे आकर फिर देखो यहाँ से शुरू हो गया। अब सुबह सुबह जो पकड़ लिए पकड़ लिए, नहीं तो इसके बाद मतलब मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है यहाँ ट्रेडिंग करना। मतलब हाँ, लास्ट मोमेंट में थोड़ा बहुत दिया था चांस यहाँ, लेकिन आज, लेकिन आप देखेंगे ना, इंट्राडे वाले को अपॉर्चुनिटी एग्जैक्टली नहीं दिया था। अब सुबह सुबह जो पकड़ लिया अलग बात है, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा। अब दिन भर इधर उधर ऊपर नीचे आप, मतलब आप ऐसे कि कॉन्फिडेंसली नहीं ले सकते पोजीशन, ऐसा ही था। तो ये आज थोड़ा, मतलब मार्केट थोड़ा आज गड़बड़ था, इंट्राडे के लिए भी गड़बड़ था। जो स्कैल्पिंग करते 2-3 मिनट देख कर वो तो कर लेते हैं, लेकिन जो एक्चुअली परफेक्ट इंट्राडे होता है, कुछ अच्छा मतलब पोजीशन लेकर 10-15 मिनट तो चार्ट बनने में तो होता है, लेकिन आज इतना ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब सुबह सुबह जो लिए लिए, अब नहीं तो फिर भी सुबह मिला था, 10 बजे तक तो था, 10:30 तक। अब ये लास्ट मोमेंट अब मिला था। ठीक है, चलो निफ्टी थोड़ा देख लेते। निफ्टी निफ्टी डे चार्ट मैंने भी बताया था। देखो, ये जब तक 19,250 के ऊपर नहीं आ रहा है, हम कह नहीं सकते ये निफ्टी बुलिश मोमेंटम आएगा। अब देखो, आज तो गैप अप में ओपन हुआ था, गैप अप में ओपन होकर अब देखो फिर नीचे आकर क्लोज हो रहा है। कितने पॉइंट, अब देखो लास्ट 19,140 में क्लोज हुआ था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। आज ओपन हुआ था 19,232, मतलब 80, 60, 30, 90 पॉइंट, 90 पॉइंट ऊपर गैप अप में ओपन हुआ था, फिर क्लोज हुआ देखो 19,080 में। 80 मतलब 60 पॉइंट उधर से आज कल की जो पोजिशन था क्लोजिंग, उससे भी कम में क्लोजिंग हुआ है। तो वही है, तो जब तक 19,250 के ऊपर 2-3 ट्रेडिंग सेशन क्लोज नहीं हो रहा है, हम उसको कह ही नहीं सकते कि बुलिश मोमेंटम आएगा। 19,250 के ऊपर क्लोज होगा तो फिर हम कहेंगे कि हाँ, मार्केट बुलिश मोमेंटम आना शुरू हो गया। तो 15 मिनट भी देखें, 15 मिनट वही जैसे बैंक निफ्टी में हुआ था, निफ्टी में भी ऐसा होता है। देखो, गैप अप में ओपन हुआ, फिर नीचे आया, देखो यहाँ से फिर यहाँ सुबह सुबह जो पोजिशन जिसको मिल गया ले लिए तो ठीक है, अब नहीं तो फिर यहाँ भी देखो लास्ट टाइम में भी 10-1 घंटे में दिया था पोजीशन। तो ये आज था, थोड़ा मार्केट गड़बड़ था पोजीशन लेने में। ठीक है, हर दिन तो मार्केट अपॉर्चुनिटी नहीं देता है, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी ये करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। चलो ठीक है, थोड़ा ऑप्शन चेन थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। ऑप्शन चेन निफ्टी का मैंने ओपन करके रखा है। यस, निफ्टी का यहाँ है कि 19,100 के पास है कि पुट ओपन इंटरेस्ट अच्छा है, 1,43,000 है। उसके बाद फिर देखेंगे 19,000 के पास है
और 18,900 के पास है, फिर 18,800। तो ये 18,800 से लेकर 19,100 तक है। अच्छा ये है, पुट ओपन इंटरेस्ट से ज्यादा है, मतलब सपोर्ट पॉइंट अच्छा है। तो यहाँ तो भर भर के ये लोग करके बैठे हैं। ये लोग जब कॉल राइटिंग को कितना, आप 19,150, 19,200, 19,300, तो ये लोग भर भर के राइटिंग करके बैठे हैं। तो कल परसों होगा निफ्टी का एक्सपायरी, तो हम इसको कह सकते हैं कि 18,800 से लेकर 19,500 तक अभी भी मार्केट ट्रेड करेगा। अब निफ्टी के बारे में बता रहे, निफ्टी 18,800 से लेकर 19,500 तक ये जो एक्सपायरी है 2 नवंबर को कर सकता है, उसके बीच में मार्केट ट्रेड करेगा। अब बैंक निफ्टी थोड़ा देख लेते, बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। बैंक निफ्टी में 42,800 के पास है अच्छा पुट ओपन इंटरेस्ट, फिर 42,700 और 42,500 के पास अच्छा है, क्या है 2 लाख, मतलब 2,30,000। फिर इसके बाद हम देखेंगे यहाँ के है 43 के पास है के कॉल राइटिंग है। ये थोड़ा वीक है, 43 तो अच्छा मतलब रेजिस्टेंस पॉइंट है क्या। फिर उसके बाद देखो और 43,200, देन 43,300, 43,400, इसके ऊपर तो ये लोग भर भर के राइटिंग करके बैठे कॉल राइटर वाले। तो मार्केट ना, ये मार्केट यहाँ हम कह सकते हैं 42,500 से लेकर, मार्केट 42,500 से लेकर 43,400, तो ये है 43,500 तक हम कह सकते हैं। 42,500 से लेकर 43,500, जो 1,000 पॉइंट है मार्केट, जो नेक्स्ट कल तो एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी का कल एक्सपायरी है, तो इसके बीच में ट्रेडिंग हो सकता है। कल एक्सपायरी है तो थोड़ा वोलेटिलिटी रहेगा, आज वोलेटिलिटी था ज्यादा तो कल भी रहेगा। सो बी केयरफुल जब आप ऑप्शन पोजिशन लेते हो ट्रेड करने के लिए। तो फिर थोड़ा ग्लोबल मार्केट देख लेते, ग्लोबल मार्केट देखो, बैंक देखो, डाउ फ्यूचर देखो गिर गया है, डाउ फ्यूचर नेगेटिव है, नाजदांग नेगेटिव है, यूरोपियन मार्केट ठीक है, वो कल भी पॉजिटिव में क्लोज हुआ था, आज भी पॉजिटिव है, ठीक है अलग बात है। अब देखो ये हमारी गिफ्ट निफ्टी को क्या होगा, ये ऐसे क्यों दिखा रहा है आप, देखो ये गिफ्ट निफ्टी भी नेगेटिव है, 88 पॉइंट नेगेटिव है, एशियन भी मतलब लगभग नेगेटिव है, तो ब्रेंट क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल ये सब घटा है, थोड़ा ठीक है मतलब फ्लैट में है, और डॉलर इंडेक्स बढ़ा है, यूएस डॉलर घटा है। ये अच्छी चीज है, यूनाइटेड जो यूएस की जो बॉन्ड रेट है, बॉन्ड रेट घटा है, ये क्या अच्छा चीज है। और एडीआर जीडीआर हम कह सकते हैं इसको, एक्सिस बैंक नेगेटिव है, जिसे बैंक सब नेगेटिव है। तो मार्केट का जैसे बता रहा है ना, इंटरनेशनल मार्केट आज की, तो अब तो शाम को तो ओपन हुआ है, रात 8 बजे तक तो मार्केट ट्रेड चलता है फॉरन मार्केट में। तो फिर भी अभी तक हमारे जो ऑप्शन चेंज बता रहे हैं और जो चार्ट बता रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केट अभी तक जो जितना बता रहे हैं, तो मार्केट प्रोबेबली कल भी बेयरिश रहेगा, जहां तक तो मुझे लग रहा है कल भी बेयरिश रहेगा। कल भी बैंक निफ्टी की ये है एक्सपायरी है, तो थोड़ा वोलेटिलिटी भी रहेगा। सो बी केयरफुल जब आप ट्रेडिंग करते हो, जब ऑप्शन लेते हो मतलब पोजिशन लेते हो, सो मतलब थोड़ा स्किल डेवलप करो, ऑप्शन चेन रीडिंग करना सीखो, कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, देन इंटरनेशनल मार्केट, ये सब थोड़ा बहुत इंडिकेटर सीखोगे, तो जो इंडिकेटर सीख रहे हो उसको अच्छे से सीखो, फिर आपको मतलब फायदा होगा, मतलब हर दिन फायदा हो, लेकिन आप ज्यादा ट्रेडिंग कर लोगे और लिवरेज ज्यादा यूज करोगे तो फिर नुकसान हो जाता है। सो बी केयरफुल। सो थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।